हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू स्वास्तिक एजुकेशन कैंपस। वी आर गोइंग टू स्टैंडर्ड टू सब्जेक्ट हिंदी। आज हमारा टॉपिक है ए। ए से एड़ी। ओके, ए से क्या होता है? एक तारा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं एक तारा क्या है? इंस्ट्रूमेंट है ना। वन स्ट्रिंग इज एट, तो ये क्या है? एक वादक है। तो चलिए देखते हैं ए से एड़ी। अब देखो, पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। आपको बोलना है ए से एडी और यहाँ पर ट्रेस करते जाना है। जैसे मैंने ट्रेस किया है, आपको भी वैसे ही किस तरह ट्रेस करना है, इस तरीके से ए से एडी आपको ट्रेस करना और इन बॉक्सेस में फिल करना है। इन चीज़ों को आपको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ए से एडी ऐसे है ना, आप सीनियर जूनियर में पढ़ चुके हो। ओके, क्लास वन में भी आप पढ़ चुके हो। अब देखते हैं, पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। जब कोई भी वर्ड में एक ही मात्रा लगती है तो उसको कैसे पढ़ते हैं? के, खे, गे, घे, छे, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, ढे। इस तरीके से हमको उसका क्या करना है? प्रोनाउंसिएशन करना है। अब इसको यहाँ पर जो ट्रेस वाले हैं वो तो इजी आप ट्रेस कर सकते हो। लिखना कैसे है? ये के, खे, गे, घे, है ना, चे, छे, जे, झे। इस तरीके से आपको सारे वर्ड्स को लिखने हैं। ओके, मैं थोड़ी थोड़ी आपको लेटर्स बता रही हूँ। इसके रणे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, मे, ये, णे, ते। अब आपको लिखना वैसे ही है, णे, खे, ते। ओके, थे, दे, धे। इस तरीके से आपको प्रोनाउंसिएशन करना है और लिखते जाना है। चलिए आगे देखते हैं, रे, ले, वे, छे, शे, से, हे, छे, गे, त्रे, श्रे, है ना। और लिखना भी हमको वैसे, ये सारी लाइनें आपको ट्रेस करनी है और नेक्स्ट लाइन में आपको लिखते जाना है। जैसे मैंने रे, ले, तो हम देखें वे, शे, से, हे, इस तरीके से आपको क्या करना है? लिखते जाना है। ओके, अब आपको लिखना पढ़ना दोनों सीखना है। पढ़ो, सीखो और लिखो, रीड, लर्न एंड राइट। अब एक ही मात्रा लगने पर हमने कैसे प्रोनाउंसिएशन किया था ये मैंने आपको बताया था। तो ये क्या लिखा है? खेत। तो यहाँ पर ट्रेसिंग भी दी गई है और आपको ट्रेस करना है खे। तो कैसे लिखेंगे इसको? इस तरीके से हमको लिखना है खे ल, दो लाइन में ही आपको यूज करना है। ये क्या लिखा है? मेला। तो लिखेंगे मे ला। इसी तरह सभी वर्ड्स को आपको क्या करना है? लिखते जाना है। बेटा, पहेली, हमारे, अपने, पढ़ते, बसे। ओके, चलिए आगे देखिए, ए से शुरू होने वाले शब्दों को राइट करो। पिक राइट द वर्ड्स बिगिनिंग विद ए। तो आपको क्या करना है? यहाँ एकांत, क्या लिखा है? एकांत। ए से एडी लिखा है, एक तारा, एशिया, जिसमें ए दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्या करना है? राइट कर देना है। ए को तीर की दिशा में पढ़कर शब्द बनाओ। मैक द वर्ड बाय रीडिंग ए इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। अब जिस डायरेक्शन में एरो दिया गया है उस डायरेक्शन में आपको क्या करना है? लिखना है। अब एक, तो क्या लिखा है? एक, एकता, तो मैंने क्या लिखा है? एकता। एड़ी, तो एड़ी। एक्का, तो एक्का। एशिया, तो एशिया। एकाक्षर, एकाक्षर लिखा हुआ। ओके, चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट द नेम। पेड़, जलेबी, केला, करेला। केला, करेला, देखिए यहाँ पर लिखा है केला, करेला, पेड़, जलेबी। तो सभी में एक ही मात्रा दी गई है। फिर है, चित्र पहचान कर कोष्टक भरो। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड फिल इन द बॉक्सेस। अब ये किसकी पिक्चर है? करेला की। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? करेला। कनेर, तो कनेर का हमने यहाँ पर लिखा है। फिर है मेज, तो मेज लिखा। जलेबी, तो जलेबी लिखी। मेला, तो मेला। केला, तो केला। इस तरीके से आपको क्या करना है? ये नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना है। छुटा हुआ अक्षर लिखो। राइट द मिसिंग लेटर। एक, ए मिसिंग है। ठठेरा में ठे मिसिंग है। लेखक में ले मिसिंग है।
मेंढक में मे मिसिंग है, एकांत में ए मिसिंग है, जेब में जे मिसिंग है, तो वो जो मिसिंग लेटर लिखा हुआ है वो लेटर मैंने यहाँ पर फिल किया हुआ है, आपको भी फिल करना है। कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। करेला कड़वा होता है, रमेश जलेबी खा, ठठेरा बर्तन बना, ठेला दो पहियों पर चलता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो वर्ड आपको पिक्चर का दिखाई दे रहा है वो वर्ड यहाँ से सेलेक्ट करके फिल करना। ओके, वाक्य पढ़ो और लिखो। रीड द सेंटेंस एंड राइट। महेश कनेर का फूल ला। तो यहाँ पर जो ट्रेसिंग लाइन दी गई है उसमें हमने ट्रेस किया है, वैसे एज इट इज नीचे के क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर लिखना है। पेड़ पर चिड़िया है, मेले में मिठाई बिकती है, माला सीला की सहेली है। तो ये आपको एज इट इज यहाँ पर राइट डाउन करना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए ए से एड़ी। पढ़ो और रंग भरो। रीड एंड कलर। ए से ऐनक है ना, ए से एरावत। तो यहाँ पर आपको ए से एड़ी के बाद कौन सा टॉपिक है, ए से ऐनक, ऐसे ऐनक, तो ऐनक आपको लिखना आ ही जाएगा। देखिए ये इस तरीके से करके आपको क्या करना है, ऐसे ऐनक लिखना है। रीड एंड राइट एज इट इज सब उसी तरह है जैसे दिया है, तो इसलिए मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ। पढ़ो और लिखो। रीड एंड राइट। अब हम कैसे पढ़े थे, के खे पढ़े थे, अब हमको कैसे बोलना है, कई खई गई गे, कै खे गे घे चे छे जे झे टै ठे डे ढे। आपको यहाँ पर उसको ट्रेस करना है और लिखना कैसे, कै खे गए, इस तरीके से आपको एज इट इज लिखना है, राइट डाउन करना है टू लाइन्स में। उसका जड़ा है तय थे तय धय नय पै फै बै भै मै ये रे लय वै सै सै छय है छय त्रय गय त्रय स्र। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करना है और राइट डाउन करना है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब दो मात्राओं वाले वर्ड को पढ़ना लिखना और सीखना है, तो क्या लिखा है, मैया, तो आपको भी लिखना है मैया। भैया लिखना है भैया, नैया, तो इस तरह प्रोनाउंसिएशन करना है और आपको लिखते जाना है बाकी वर्ड्स को। सेम फिर क्वेश्चन आया, ए से शुरू होने वाले शब्दों पे राइट का निशान करो, है ना, टिक राइट द वर्ड विद बिगनिंग विद ए। ए एरावत एनक एक, तो इन सब में मैंने टिक कर दिया है। अब देखें एरो का निशान, तो एरो के निशान में बहुत इजी आपको आता है, एनक एरावत ऐशा एक एलान ऐश्वर्य। ओके, चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड राइट द ने, सैनिक पैसा दैनिक बैल। दैनिक किसको बोलते हैं, न्यूज़पेपर को, तो हमने क्या लिखा है, दैनिक। सैनिक सोल्जर को, बैल ऑक्स को, क्वाइंस पैसे को। ओके, तो ये एज इट इज आपको लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ। ये पजल काफ़ी इजी है, चित्र पहचान कर कोष्ठक भरो। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड फिल इन द बॉक्सेस। सैनिक इधर क्या लिखा है, दैनिक। बैंगन मैदान, नैया गैया, है ना, तो पिक्चर देखकर आपको पहचानना आ जाएगा और आप लिख भी लोगे। छूटा हुआ अक्षर लिखो। राइट द मिसिंग लेटर। अब देखिए यहाँ पर जो लेटर्स लिखे रहते हैं उसमें जो लेटर्स छूट गया है उसे हमें फिल करना है, देखकर राइट डाउन करना है, तो कोई प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ लिखा है मेला, मैं उसमें मिसिंग है, तैरना में तय मिसिंग है, मैया में मैं मिसिंग है, फैलाव में फै मिसिंग है, चैन में छ मिसिंग है, छय में छ मिसिंग है, छैला में ऐनक में ए मिसिंग है, बैल में बै मिसिंग है। तो इस तरह उन वर्ड्स में जो मिसिंग लेटर हैं उनको कंप्लीट करना है। ओके, आगे देखते हैं।
कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। भैया बैल पकड़, बहन मैदान में खेल, गीता जमीन पर पैर रख। ओके, वाक्य पढ़ो और लिखो। कैलाश पैसा ला, बहन गैया चराने जा, माला घूमने नैनीताल जा, सैनिक देश की रक्षा करता है। तो ये क्या करना है आपको, एज इट इज यहाँ पर लिखना है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम का पूरा कोर्स कंप्लीट होता है। आपको यहाँ तक अपनी वर्कबुक में राइट डाउन करना है। थैंक यू।